पढ़ना लिखना सीखो ए दोस्तो, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों। कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं, पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है। मंजिलें और भी हैं, मंजिलें और भी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस कार्यक्रम में मंजिलें और भी हैं। अरे अब सोचना बंद कीजिए, तैयार हो जाइए आज के हमारे नए नए मेहमानों से मिलने के लिए। आज हम आपको मिलवाने ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, जहाँ के रहने वाले रामलाल ने साक्षरता कक्षाओं से साक्षर होकर अपनी जिंदगी को नई रोशनी दी है। पीलीभीत जिले के एक गांव पूर्वा भूड़ा के रहने वाले रामलाल कल तक निरक्षर होने की वजह से मेहनत मजदूरी कर अपनी गुजर बसर करते थे, मगर आज वो साक्षर होकर एक जागरूक व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पीलीभीत उन्हीं जिलों में शामिल है जो साक्षरता दर में पीछे थे। निरक्षर होने के बावजूद रामलाल के गांव के ज्यादातर लोग मजदूरी पर ही निर्भर हैं। आज रामलाल की तर्ज पर गांववासी साक्षरता से जुड़ रहे हैं, लेकिन रामलाल की सफलता की ये कहानी देखने के लिए हमको चलना पड़ेगा रामलाल के गाँव पूर्वा भूड़ा। तो चले। देश में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा बहुत सारे साक्षरता कार्यक्रम अलग अलग समय में चलाए गए और अभी भी चलाए जा रहे हैं, जिससे गांव-गांव तक निरक्षर पुरुष और महिलाओं को साक्षर किया जा सके। पीलीभीत जिला साक्षरता दर में काफी पिछड़ा हुआ था। जिले की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए 2 अक्टूबर 1995 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के माध्यम से जिले के गांव-गांव में साक्षरता कार्यक्रम को पहुंचाने का प्रयास किया गया और हर गांव में साक्षरता केंद्र को शुरू किया गया। जिले के दूरदराज स्थित गांवों में इन कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। ये कार्यक्रम निरंतर निरक्षरों को साक्षरता का स्वाद चखाने का काम करते रहे। 1995 में शुरू किए गए कार्यक्रमों का ये सिलसिला भी लगातार चलता रहा और आज भी चलता जा रहा है। इसी कड़ी में 2002 में उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों का भी आगाज किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिले के बहुत से निरक्षरों को साक्षर किया गया। इस कार्यक्रम के बाद भी जो कुछ सोए हुए लोग अभी तक साक्षरता से दूरी बनाए हुए थे, उन्हें जगाने का एक प्रयास किया गया और 2006 में विशेष साक्षरता कार्यक्रम की पहल की गई। इसके लिए सबसे पहले माहौल बनाने का प्रयास किया गया। दूर दराज के गांव तक इस कार्यक्रम की अलख जगाने के वास्ते गीत संगीत और नाटकों का सहारा लिया गया। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उससे सीखा और अपने गाँव में आया। गाँव में आगे अपने चाचा ताऊ जो भी लगता था रिश्ते में, मैंने कह कह के भाई बहनों से सबसे कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने सबको जानकारियां दरवाजे पे जाके दी और मंडली के रूम में हमने गा के नारों के बारे में कह कह सबको जिज्ञासा जागृत करी। इसी कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसा व्यक्ति साक्षर हुआ जिसने बचपन से लेकर आज तक स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, मगर आज वो साक्षर होकर अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू कर चुका है। उसका नाम है रामलाल, जो ग्राम पूर्वा भूड़ा के रहने वाले हैं। गरीब कहो या वक्त का फेर, पर वो कभी स्कूल जा ही नहीं सके और निरक्षरों की सूची में शामिल हो गए। परेशानी ये थी, कोई बात जानते नहीं थे, कोई बात न खाद न पानी, कोई मात्रा कोई चीज नहीं जानते थे। अनपढ़ में दूसरे से पूछते थे कि ये क्या, कौन सी खाद लें, हम क्या करें, कैसे करके लगाएं, कैसे कौन सी दवा लगाएं, तो ऐसे थे, बड़ी परेशानी जी उठाई। जब इन साक्षरता कार्यक्रमों को पीलीभीत जिले में शुरू किया गया तो बारी इस गांव की भी आई और धर्मपाल के हाथों में प्रेरक की जिम्मेदारी देकर इस गांव में साक्षरता केंद्र का श्री गणेश किया गया। पूरे गांव में जश्न के साथ साक्षरता का माहौल बनाया गया। गांव-गांव में घूम घूम कर साक्षरता कर्मियों ने क्षेत्रीय भाषा में लिखे साक्षरता गीतों के माध्यम से साक्षरता का प्रचार प्रसार किया। कई दिन तक पूरे गांव में इस जत्थे ने गांववासियों को साक्षरता के प्रति जागरूक करने का काम किया। गांववासियों ने भी साक्षरता का खुले हाथों से स्वागत किया। गांव की गलियों से जब जब ये जत्था गुजरा तो गांव की महिलाओं, पुरुषों और बच्चों में एक उत्साह सा भर गया। लोग छतों से इसे सुनने और देखने को लालायित दिखे। पूरे गांव में साक्षरता का माहौल बन गया।
ऐसा नहीं है कि गांव वासियों को साक्षरता केंद्र पर लाना कोई बहुत आसान काम था। उसके लिए इन गीतों के प्रेरक धर्मपाल ने लोगों को समझाया और सारी मुश्किलों को आसान करते हुए इन साक्षरता कक्षाओं का संचालन किया जाने लगा। धीरे धीरे मुझे साक्षरता मिशन के बारे में मालूम हुआ। श्री तोमर साहब ने मुझे बताया कि साक्षरता संबंधित एक मिशन है, उसमें यदि आप चाहो, पढ़े लिखे हैं, आप चाहो तो उसमें जुड़ सकते हैं और अपने गांव वालों जो अनपढ़ लोग हैं उन्हें कुछ सिखा सकते हैं, जिससे उन्हें कुछ जानकारियां मिलेंगी और जानकारियां से वो अपना प्रोग्रेस करेंगे, कुछ अपने उत्पन्न मतलब उनके जिज्ञासा उत्पन्न होगी। इसी साक्षरता केंद्र पर रामलाल ने अपनी निरक्षरता जैसे कलंक को धोने की कोशिश की। रामलाल जिंदगी में निरक्षर होने के कारण कई मुश्किलों का सामना कर चुके थे और शायद अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जिल्लत को और बर्दाश्त कर पाते। उन्होंने साक्षरता केंद्र पर आना लगातार जारी रखा। रामलाल ने अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में साक्षरता को शामिल कर लिया था। वो कहीं भी हो मगर साक्षरता केंद्र पर आना नहीं भूलते। रामलाल के अलावा निरक्षर गांववासी इन साक्षरता केंद्रों की तरफ अपना रुख कर चुके थे। गांव का हर अशिक्षित व्यक्ति साक्षर होने के लिए अपने कदम उठा चुका था। रामलाल जैसे न जाने कितने ही गांववासियों ने इन साक्षरता कक्षाओं के माध्यम से अपने जीवन को एक नया आकार देने की कोशिश की। रामलाल ने अपने जीवन को एक नया आयाम दिया। ये वो रामलाल हैं जिन्होंने आज तक किसी भी काम को बिना किसी के सहारे के अंजाम तक नहीं पहुंचाया था, लेकिन आज वो अपनी खेती बड़े ही सलीके से करते नजर आते हैं। माता पिता ने पढ़ाया नहीं तो इसलिए अनपढ़ रह गए थे, फिर उसके बाद पढ़ने लगे, धर्मपाल से ओर से पढ़ाई लिखाई हमने थोड़ी बहुत सीखी, ऐसे सीखते फिर अपने आप सब बात पढ़ने लगे हम। उसके बाद फिर हमने बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाया, फिर वे स्कूल जाने लगे, फिर अपने खेती बाड़ी हमने पकड़ ली, खेती बाड़ी अपने हम करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, ऐसे फिर अपने और रोजगार अपने करने लगे। जो इंसान कोई हिसाब किताब स्वयं से नहीं कर सकता था, उसने आज गांव में ही एक दुकान कर ली है। रामलाल ने अपनी मेहनत और लगन से एक सफल और खुशहाल व्यक्ति बनने में सफलता पाई है। रामलाल आज अपनी सारी जिम्मेदारियां बड़े ही सलीके से निभा रहे हैं और साथ ही सारे काम को बेहतरी से अंजाम देते हैं। ये सब मुमकिन हुआ इन्हीं साक्षरता केंद्रों के माध्यम से। पूर्वा भूड़ा का रहने वाला हर व्यक्ति अब साक्षर हो रहा है। अगर ये कार्यक्रम इसी रफ्तार से चलते रहे तो जल्दी ही गांव का हर व्यक्ति साक्षर होगा, हर महिला निरक्षरता से दूर होगी और हर बच्चा स्कूल जाता नजर आएगा। आज गांव का हर व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में जागरूक है। वजह साफ है, इन लोगों का साक्षरता अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, जिसके कारण पूरे गांव में साक्षरता की अलग ही छटा बिखरती दिख रही है। साक्षरता के इस रंग में गांव की हर महिला और पुरुष पूरी तरह रंग चुका है। साक्षरता केंद्र यूं ही चलते रहे तो वो दिन दूर ना होगा कि पूरा देश साक्षरता के रंग में रंगा नजर आएगा। देश का हर गांव साक्षरता के माध्यम से एक अलग अध्याय लिखता नजर आएगा। रामलाल ने इस उम्र में अपने जीवन को वाकई एक नई दिशा देकर पूरे गांव के निरक्षर लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम किया है। रामलाल जैसा देश का हर एक निरक्षर अपने जीवन को एक नया मोड़ देकर अपनी जिंदगी खुशगवार बना सकता है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के एक ऐसे ही गांव की महिला जो निरक्षरता से अपना दामन छुड़ाना चाहती थी, सुखदेवी सेन, जो गांव सरकनपुर टीकमगढ़ की रहने वाली हैं। निरक्षरों की सूची से निकलकर सुखदेवी ने वो कारनामा कर दिखाया जो गांव और देश की हर निरक्षर महिला दोहराना चाहेगी। एक मजदूर वर्ग की इस महिला के लिए ये करना आसान काम नहीं था, मगर उसने हर मुश्किलों को पार करते हुए इसे सच कर दिखाया। आइए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सुखदेवी सेन ने सारी मुश्किलों को पार करते हुए आज ये मकाम हासिल किया है। Thank you.
शह सवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जी हाँ, यही साबित किया है सुखदेवी सेन ने। सुखदेवी सेन मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सरकनपुर, जिला टीकमगढ़ की रहने वाली हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू होती है एक अनपढ़ महिला और निरक्षरता जैसे शब्दों से, लेकिन आखिर में उन्होंने वो मुकाम पाया जिसे पाना शायद हर इंसान का ख्वाब होता है। सुखदेवी सेन की किस्मत भी बाकी निरक्षरों से कुछ जुदा नहीं थी। जो जो मुश्किलें एक अनपढ़ व्यक्ति उठाता है, ऐसी ही बहुत सी समस्याओं का सामना हर रोज सुखदेवी सेन ने भी किया। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनके पति साक्षर थे, जिससे इनकी कुछ समस्याएं तो हल हो जाती थीं, मगर हर कदम एहसास यही रहता था कि क्यों मैं किसी और पर निर्भर हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। सुखदेवी ने मन में निश्चय कर लिया कि एक न एक दिन वो साक्षर होकर दिखाएगी, चाहे फिर कीमत कुछ भी क्यों ना हो। उन्होंने अपने पति से बात कर पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। सुखदेवी के पति ने हामी भरते देर नहीं की और पढ़ने की इजाजत के साथ साथ खुद भी पढ़ाने को कहा। फिर क्या था, यही वो शुरुआत थी जिस पर चलकर सुखदेवी ने अपने साक्षर होने तक का सफर तय किया। हम सबको देखते थे तो हमको भी लगता था कि हमको भी पढ़ना है, तो सब किताबें इसकी उठाते थे उसकी उठाते थे, लेकिन देखते थे लेकिन पढ़ना नहीं आता था। फिर हमने सोचा किताबों में ऐसे ही देखा, फिर हमने हमारी शादी हुई, हमने अपने पति से कहा कि हमको पढ़ना है, फिर हमने उनसे कहा तो उनने हमको स्लेट जेब वगैरह कॉपी पेंसिल ले आके दी, फिर उन्होंने भी हमको एक आध घंटा ऐसे ही सिखाया, छोटा बड़ा ये सब सिखाया, गिनती विनती पहाड़े ये सीखा, जोड़ सीखा छोटे छोटे। इसी दौरान उन्होंने 1995 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे संपूर्ण साक्षरता अभियान से जुड़ने का फैसला किया। यही पहली सीढ़ी थी जिस पर पांव रखकर सुखदेवी ने सफलता की तरफ पहला कदम बढ़ाया। अब कक्षाओं में पढ़ने के साथ साथ जब भी सुखदेवी को वक्त मिलता, वो अपने पति से भी पढ़ाने को कहती और धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। काम करने के बाद ही हम पढ़ पाते थे, फालतू थोड़ा सा टाइम मिला फिर किताब देख ली, थोड़ा सा टाइम मिला बीच में फिर किताब देख ली, किताबों से ज्यादा प्रेम था। और थोड़े से बैठे फिर इधर उधर फालतू हो गए तो फिर बैठ गए थोड़ी देर, जल्दी से खाना बनाया, कपड़े भी थोड़े धोए, जो कुछ करना था तो जल्दी फिर बैठ गए एक घंटा के लिए जितनी टाइम मिला। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और एक ऐसा दिन आया जिसका इंतजार सुखदेवी की आंखों में वर्षों से चला आ रहा था। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सुखदेवी ने 5वीं की परीक्षा दी और उसे सफलतापूर्वक उत्तीर्ण भी किया। सुखदेवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद सुखदेवी ने 8वीं की परीक्षा दी और उसे भी सफलतापूर्वक पास किया। सर, हमारे परिवार वालों की सबकी इच्छा थी कि हम पढ़े, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया, हमारे सास ने भी, ससुर ने भी, हमारे पति ने भी, सबने, यानी हमारे जितने भी परिवार के 4-5 सदस्य हैं, सबने हमको सहयोग दिया, हमने पढ़ाई की। सर, हमने 5 की परीक्षा दी, उसके बाद 5 के बाद हमने 8 की परीक्षा भी दी। आज उनका ख्वाब है सबको साक्षर करना और अपनी शिक्षा को जारी रख एक मिसाल कायम करना। अपने कठिन परिश्रम से सुखदेवी ने न जाने कितने ही लोगों को साक्षर किया। इसके बाद सुखदेवी ने अपना अगला कदम गुरुजी के रूप में उठाया। पढ़ना बढ़ना कार्यक्रम के अंतर्गत सुखदेवी ने गुरुजी की भूमिका निभाई और गांव की 14 महिलाओं को साक्षर किया। उनकी इस लगन और मेहनत को देखते हुए 26 जनवरी 2003 को सुखदेवी को प्रेरक बना दिया गया। पढ़ना बढ़ना में हम साक्षर भी हो गए। साक्षर होने के बाद फिर इधर पे एक खरेजी थे, खरेजी ने उन्होंने कहा जब ये पढ़ना वढ़ना के बाद जी गुरुजी चली थी पहले, गुरुजी में भी फिर हमने सर उसमें काम किया, उसमें गुरुजी बने हम। गुरुजी के बाद फिर हमने उसमें साक्षर की महिलाएं, सर हमारी सबसे ज़्यादा महिलाएं पास हो गई उसमें, 14 महिलाएं पास हुई। फिर उसके बाद हमने फिर ये ब्रेक के लिए उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। आज शिक्षा के प्रति सुखदेवी की लगन और समर्पण देखते ही बनता है और इसमें हर कदम साथ मिला जिला साक्षरता समिति के लोगों का, इनके पति का, जिन्होंने हर कदम इनकी हौसला अफजाई के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो ये पढ़ना वढ़ना संस्था में पढ़ने के लिए जाने लगी और पढ़ लग गई, थोड़ा पढ़ने लगी तो इन्होंने कहा मुझे आगे पढ़ना है, तो इन्होंने 5 की परीक्षा दी। 5 परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करने के बाद फिर इन्होंने आगे जो है क्लासें लगाई, उनमें और पढ़ा, फिर करने लगी कि मुझे 8वीं की देना है, तो 8वीं भी अच्छी तरह से पास उत्तीर्ण की। ये सफर यूं ही चलता रहा। इसके बाद जिले में महिलाओं की निरक्षरता को देखते हुए महिला पढ़ना बढ़ना कार्यक्रम की शुरुआत की गई,
सुखदेवी ने महिला पढ़ना बढ़ना कार्यक्रम से जुड़कर पहली बार में 25 महिलाओं और उसके बाद 11 महिलाओं को साक्षर किया। कहीं से भी लेटर आया तो हम पढ़ नहीं पाते थे, पढ़ने के लिए हम तरसते थे, इसलिए हम चाची के पास गए। इन लोगों ने हमको पढ़ना सिखाया, फिर इसके बाद में हम पढ़ने लगे हैं। सभी हमारे घर आए कि तुम पढ़ लिखला जाओ, आप उसमें झगड़ा करती हो, अच्छी अकल आ जाए। तो इसके माने मैंने पढ़ाया, हमको 5 तक पढ़ाया और मैं पढ़ गए, पढ़ लिख गए, अपने 4 बच्चे भी पढ़ाए। इसके बाद अपनी सफलताओं की कड़ी में और इजाफा करते हुए अवशेष निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़कर उन्होंने लोगों को पढ़ाना शुरू किया। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 20 महिलाएं परीक्षा में बैठी, जिसमें से 9 महिलाओं ने सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की। आज सुखदेवी घर घर जाकर लोगों को साक्षरता का महत्व समझाती हैं। बस माध्यम बदल जाता है, कभी वो गाकर समझाती हैं, तो कभी किसी और तरह से। गांव की हर महिला आज साक्षरता के महत्व को समझ चुकी है, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक है। सुखदेवी का ये सफर अभी शुरू ही हुआ है। वो अपना पूरा जीवन लोगों को साक्षर बनाने में बिताना चाहती है, उसके साथ साथ खुद भी अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहती है। आज आलम ये है कि एक तरफ स्कूल चलता है तो एक तरफ साक्षरता कक्षाएं। गाँव का हर बच्चा स्कूल जाता है और हर अनपढ़ महिला साक्षरता कक्षाओं में। सुखदेवी ने इस सफर की शुरुआत तो कर दी, मगर इंतजार बस इतना है कि कब ये अपने मकाम पर पहुँचे और वो भी सफलतापूर्वक। जब देश के हर गांव की महिलाएं और पुरुष साक्षर हों, हर बच्चा साक्षर हो, जिससे देश का भविष्य उज्जवल हो। तो देखा आपने कि कैसे सुखदेवी कदम दर कदम आगे बढ़ती रही और आज अपने आप को उन्होंने एक ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया है जहां गांव की हर निरक्षर महिला उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश में लगी है। सुखदेवी की तरह देश की हर महिला अपने जीवन को सफल बना सकती है, बस हमें ज़रूरत है थोड़ा सा जागरूक होने की और साथ ही साक्षर होने की। अब हम आपको ले चलते हैं रायबरेली। कुछ सालों पहले इस ज़िले में एक ऐसी पहल की गई जो शायद किसी भी राज्य की पहली पहल कही जा सकती है। क्या है ये पहल, हम आपको बताते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चलना होगा 25वीं वाहिनी पीएसी कंपाउंड रायबरेली में। ये कहानी किसी गांव के रहने वाले निरक्षर या गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहे लोगों की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये साक्षरता की पहल है उन लोगों के लिए जो शायद अपने आप को एक पढ़ा लिखा इंसान देखना तो चाहते थे, मगर किसी हालात के चलते नहीं पढ़ सके या फिर किसी पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। इन्हें अपने निरक्षर होने का एहसास तो था, मगर कहते तो किससे कहते। इन महिलाओं में ज्यादातर पत्नियां हैं 25वीं वाहिनी पीएसी में नौकरी कर रहे सिपाहियों की। इन लोगों को साक्षर बनाने का बीड़ा उठाया जिला साक्षरता समिति ने। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता कार्यक्रमों का आगाज रायबरेली में बड़े ही जोर शोर से किया गया। जिला साक्षरता समिति के साथ मिलकर 25वीं वाहिनी पीएसी ने आगे आते हुए साक्षरता केंद्र को शुरू करने में पहल की। ये एक ऐसी पहल थी जिसे शायद ही कहीं शुरू किया गया हो। 25वीं वाहिनी के कंपाउंड में ही सतत शिक्षा केंद्र का शुभारंभ हुआ। धीरे धीरे इस केंद्र पर उन महिलाओं को साक्षर करने की पहल की गई जो आज किसी न किसी साक्षर सिपाही की पत्नी है। वो लोग जो देश की सेवा में लगे हैं, देश के अलग अलग कोनों से आए हैं, मगर कुछ सिपाहियों की पत्नियां जो दूर दराज के गांव से ताल्लुक रखती हैं और किसी न किसी कारण से निरक्षर रह गई थीं, उन्हीं को साक्षर करने की ये पहल थी। एक एक कर इन महिलाओं ने अपने आप को घर से बाहर निकाला और बिना किसी शर्म के केंद्र की ओर अपना रुख किया। ये लिटरेट फैमिली केवल इनके पति लिटरेट है। ये हम लोग एक एक घर गए हमारे प्रशासन के सहयोग से और हमारे सहायक प्रेरक, हर घर जा कर के महिलाएं, पहले तो यहाँ सर्वे में आया कि सब पढ़ी लिखी हैं, एक भी महिला मतलब इस श्रेणी में नहीं आई।
लेकिन जब मैं दोबारा गई, हर महिला से मैंने बात किया, उनको ये बताया कि ये कोई शर्म की बात नहीं है, आपके पीएसी कैंपस के अंदर ये सेंटर चलेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, आप आइए इससे। और हम क्योंकि यहाँ स्कूल से जुड़े हुए हैं तो इसलिए हमसे लोग मतलब संकोच नहीं करते हैं। इस नाते ये महिलाएं जो 30 महिलाएं आई, तो ये हम लोगों के व्यक्तिगत प्रयास से उनकी हिचकिचाहट को दूर करके हम उनको यहाँ इस सेंटर तक लाए। इन केंद्रों पर आने वाली वो महिलाएं थीं जो कम साक्षर थीं या फिर साक्षर तो थीं लेकिन कुछ ना कुछ सीखना चाहती थीं। इस केंद्र पर पढ़ने वाली सभी नवसाक्षर बड़ी ही रुचि के साथ पढ़ती और उसके साथ साथ एक पहल और की गई, वो ये कि केंद्र पर अब तरह तरह के अचार और मुरब्बे बनाना भी सिखाया जाने लगा, जिसके चलते वो महिलाएं भी साक्षरता केंद्र पर आने लगीं जो साक्षर तो थीं, मगर कुछ नया करना और सीखना चाहती थीं। कढ़ाई बुनाई सिलाई भी जो रूटीन में आती है थोड़ा बहुत उन लोगों ने सीख लिया, जिसकी जिस कार्य में रुचि थी। जैसे कोई कहता कि हमको फ्रॉक सिलना सिखा दीजिए, तो क्योंकि ये चीज मुझे आती है, पहले से ही आती थी, मतलब इसके लिए हमने कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं की है, तो महिलाओं को सिखाया। जैसे जैम जेली अचार मुरब्बा ये घरेलू उपयोग की चीजें हैं और ये मैंने खुद ही अपने घर पर बनाते हैं, वही इन लोगों को भी सिखा देते। मैंने भी कहीं प्रशिक्षण नहीं लिया, ये मेरा घरेलू ज्ञान है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखा मैंने यहाँ पे, पढ़ना लिखना तो सीखा है और बहुत भी घरेलू जैसे सामान वगैरह, घर की देखभाल कैसे की जाती है बच्चों की और खाना बनाना, ये सब बहुत अच्छे से सीखा। इसके चलते केंद्र पर आने वाली महिलाओं की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती गई। इन निरक्षर या कम पढ़ी लिखी महिलाओं को प्रेरित किया उन लम्हों ने, जब जब वो किसी पढ़ी लिखी महिला के संपर्क में आईं, तो इनमें अपने निरक्षर होने का एहसास और बढ़ गया और उन्होंने सोचा कि काश मैं भी साक्षर होती। ऐसा कई बार हुआ जब किसी मौके पर साक्षर न होने की वजह से खुद को तो शर्मसार होना ही पड़ा, साथ ही पति को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और यही वजह थी कि इन महिलाओं के दिल के किसी कोने में एक खलिश थी कि क्यों हम साक्षर नहीं हैं, जब सतत शिक्षा केंद्र खोलने के लिए जिला साक्षरता समिति ने यहाँ का जायजा लेकर अधिकारियों से बात कर सतत शिक्षा केंद्र खोला, जिसका संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। आज इस केंद्र की रौनक देखते ही बनती है, महिलाओं की संख्या में कमी की बजाय इसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। अब तो इसमें वो महिलाएं भी शिरकत कर रही हैं जो 25वीं वाहिनी के आसपास की रहने वाली हैं, और जब इस साक्षरता केंद्र के बारे में इन्हें मालूम हुआ तो वो भी अपने आप को यहाँ आने से नहीं रोक पाई। मेरी बिटिया यहाँ पढ़ने आती है स्कूल में, तो मुझे पता चला यहाँ साक्षरता का कोई खुला हुआ है, यहाँ पे औरतें आती है पढ़ने जो पहले नहीं पढ़ सकी किसी वजह से, तो फिर मेरे को भी मेरी रुचि थी पढ़ने में, तो इसलिए मैं भी आने लगी। जब से यहाँ स्कूल में आया हाँ मॉडल स्कूल में पीसी में, तभी जब से यहाँ स्कूल खुला है अपन किया, जब से यहाँ पढ़ रहे ना अपन, यहाँ अपन थोड़ा बहुत गिनती उनती आ जात है, नाम थोड़ा लिख ले थे और सामान उमान है बेच ले थे, अपन लड़कन का देखभाल कर ले थे वही मापन, और उनमें से कुछ खर्चा निकल जाते थे 10-20 अपन, और वही मकर बेच के वही में सामान फिर मंगा ले थे। आज ये महिलाएं पढ़ने के साथ साथ खाने पीने वाली अलग अलग चीजों को बनाना भी सीख रही हैं। जो महिलाएं साक्षर हैं, वो भी इस केंद्र पर शिरकत कर अपने अनुभव इन महिलाओं में बांटती हैं। हर रोज पढ़ने के बाद अचार मुरब्बे पापड़ या अलग अलग चीजों को बनाना सीखती हैं। जिस महिला को कुछ अलग बनाना आता है तो वो अन्य महिलाओं को यहाँ आकर सिखाती है। आज इस साक्षरता केंद्र से ये महिलाएं साक्षर तो हो ही रही हैं, उसके साथ साथ बहुत कुछ सीख भी रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये महिलाएं देश के अलग अलग कोनों से ताल्लुक रखती हैं, जिसके चलते ये लोग अलग अलग पकवान बनाना तो सीख ही रही हैं और साथ ही साथ साक्षर भी हो रही हैं। ये साक्षरता कक्षाएं अपनी एक अलग रिवायत लिख रही हैं और उन लोगों को साक्षर कर रही हैं जो निरक्षरता के बोझ तले दबे थे। ये सफर अगर यूं ही चलता रहा तो वो दिन जल्द सामने होगा जब देश के हर कोने में हर गांव हर मोहल्ले की महिला और पुरुष साक्षर होगा। आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की एक खूबसूरत पहल है और उम्मीद है कि रायबरेली की इस पहल पर देश के अलग अलग जिलों में भी इन कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। साक्षरता कार्यक्रम यूं ही निरक्षरों को साक्षरता की राह दिखाते रहें। भाई वाह, क्या बात है,
इन साक्षरता कक्षाओं की पहल तो वाकई लाजवाब है। ये देखकर मेरा दिल तो बाग बाग हो गया कि आज रायबरेली जिले ने एक ऐसी पहल की है जिसके चलते साक्षर व्यक्तियों की निरक्षर पत्नियां साक्षर हो रही हैं, वो भी बिना किसी शर्म और संकोच के। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी ये सैर आपको जरूर पसंद आई होगी, साथ ही हमारे आज के इस एपिसोड ने आपके दिलों को जरूर छुआ होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पढ़ना लिखना सीखो ऐ दोस्तों, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों, कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं, पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है, मंजिलें और भी हैं, मंजिलें